जूते पहनने के लिए माँ ने पैसे नहीं दिए तो दिल्ली पुलिस की महिला सिपाही का बेटा शोरूम से जूते चुरा कर निकल पड़ा। वह अपने दोस्तों के साथ नंगे पैर शोरूम पहुंचा, जहां से जूते पहनकर निकलते समय वो सीसीटीवी में कैद हो गया। फुटेज देखकर शोरूम के मैनेजर को जानकारी हुई तो उसने सिक्योरिटी गार्ड को फोन कर आरोपी को पकड़ने को कहा, जबकि इस दौरान आरोपी का दोस्त भागने में कामयाब हुआ, किंतु सिक्योरिटी गार्ड ने महिला सिपाही के बेटे को पकड़ लिया। इसके साथ ही पुलिस को खबर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जेल भेजकर उसके नाबालिग साथी का भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। एसएचओ सिहानी गेट उमेश बहादुर सिंह ने कहा कि आरोपी हर्ष चीनू है, जो किंटू में रहता है। 20 वर्षीय चीनू ने पिता दिल्ली पुलिस में सिपाही है, जिनकी 2008 में देहांत हो गया था। उसके जगह चीनू की मां ने दिल्ली पुलिस में सिपाही की नौकरी की। चीनू के परिवार में उसके दो छोटी बहनें भी है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री अरुण कॉलेज का है और वह चीनू तृतीय वर्ष का छात्र है। रविवार रात 8:15 बजे वह अपने छात्र 12वीं पढ़ने वाले अपने दोस्त को लेकर जीटी रोड स्थित शोरूम मार्केट में गया और दोनों नंगे पैर थे, जिस कारण डी मार्ट के असिस्टेंट मैनेजर में अमरजीत पांडे ने इन पर नजर रखी। दोनों जूते देखने लगे और फिर एक जोड़ी पहनकर मॉल से बाहर निकल गए। उसी वक्त सिक्योरिटी गार्ड को सूचना दी गई और गेट पर गार्ड्स ने चीनू को पकड़ लिया। PM News 24 की रिपोर्ट।